हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम रिव्यू करेंगे मारुति सुजुकी विटारा ब्रीज़ा ZXi प्लस का, यानी टॉप वेरिएंट गाड़ी है ये। BS6 में लॉन्च हो चुकी है, यानी पेट्रोल में। पेट्रोल वेरिएंट इसका अवेलेबल है, जिस जो आप देख रहे हैं इसमें जो वेरियंट आते हैं LXi, VXi, ZXi और ZXi प्लस इसका टॉप वेरियंट है। और इसकी आप फ्रंट लुक देख रहे हैं, फ्रंट से काफ़ी अच्छी लुक है गाड़ी का। देखने में काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए गए हैं इसमें। फ्रंट में आपको दो प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिए गए हैं इसमें, साथ में DRL मिलेगा आपको देखने को। प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ DRL दिया गया है। फॉग लैम्प इसमें जो LED दिए गए हैं, फॉग लैम्प भी इसमें। और S का मोनोग्राम क्रोम फिनिश के साथ, अपर की ग्रिलों पे क्रोम मिलेगा, तो अपर की ग्रिलों पे। और लोअर बम्पर आपको सिल्वर फिनिश के साथ दिए गए हैं, तो बम्परों में काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए गए हैं इसमें। और इसमें आपको डुअल टोन में अलॉय व्हील दिए गए हैं, ट्यूबलेस रेडियल टायर मिलते हैं आपको इसमें, और 215/60R 16 इंचेस के व्हील दिए गए हैं। तो अलॉय व्हील भी इसमें चेंज कर दिए गए हैं, तो ये नए अलॉय व्हील मिलेंगे आपको डुअल टोन में। और काफ़ी अच्छी लुक है गाड़ी की देखने में, व्हीलों की। और ये साइड प्रोफाइल देख रहे हैं आप गाड़ी की, साइड प्रोफाइल से भी बहुत ही बढ़िया लुक है गाड़ी का देखने में। साइडों में आपको क्लाइडिंग दी गई है, जो कि आपकी गाड़ी को स्क्रैचेस से सेफ रखेगी। बात करेंगे ग्राउंड क्लियरेंस की, तो 198 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। और टर्निंग रेडियस है इसका 5.2 मीटर का टर्निंग रेडियस है। और बात करेंगे इसके डायमेंशन की, तो 3995 mm की इसकी लेंथ है, विड्थ है 1790 mm की, और हाइट है 1640 mm की। व्हील बेस है इसका 2500 mm का, तो इसकी लेंथ विड्थ हाइट में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। साइड प्रोफाइल से कोई खास चेंजेस नहीं मिलेंगे आपको देखने को, व्हीलों का ही चेंज किया गया है साइड प्रोफाइल में। व्हील आपको नए डुअल टोन में अब अलॉय व्हील मिलते हैं देखने को, तो साइड प्रोफाइल से कोई खास चेंजेस नहीं मिलेंगे आपको इसमें। साइड मिरर पे टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं, साइड मिरर आपको ब्लैक ही दिया गया है इसमें, और टच बटन के साथ ये वाला डोर भी दिया गया है। बॉडी कलर आपको डोर हैंडल दिए गए हैं इसमें। 16 इंचज़ के व्हील मिलेंगे। फ्रंट में डिस्क, रियर में ड्रम ब्रेक ही मिलती है आपको इसके सभी वेरियंट में। ये रियर प्रोफाइल देख रहे हैं आप गाड़ी के, रियर प्रोफाइल से बहुत ही बढ़िया लुक है गाड़ी का देखने में। रियर में आपको स्पॉइलर के साथ हाई माउंट स्टॉप लैंप दिए गए हैं, डिफोगर के साथ रियर वाइपर दिया गया है, इसका मोनोग्राम क्रोम फिनिश के साथ दिया गया है, LED टेल लैंप दिए गए हैं इसमें। और रियर बम्परों पे आपको सिल्वर फिनिश मिलेगी, दो रिफ्लेक्टर, 4 पार्किंग सेंसर दिए गए हैं, तो पहले से चेंज कर दिया गया है, सिल्वर फिनिश दी गई है देखिए रियर बम्परों पे, तो रियर बम्पर पूरा चेंज कर दिया गया है। और ये दूसरे साइड की प्रोफाइल है गाड़ी की, दूसरे साइड से भी बहुत ही बढ़िया लुक है गाड़ी का देखने में। 48 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी गई है। बात करेंगे सस्पेंशनों की, तो फ्रंट सस्पेंशन मैकफर्सन स्टड विद कॉइल स्प्रिंग टाइप दिए गए हैं, रियर सस्पेंशन आपको टोरिजन बेम टाइप दिए गए हैं। करवेट है इसका 1190 kg का। और बात करेंगे सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको डुअल एयरबैग दिए गए हैं, ABS विद AVD, इंजन इमोबलाइजर, सेंट्रल लॉकिंग डोर दिए गए हैं इसमें, कीलेस एंट्री मिलेगी आपको, चाइल्ड सेफ्टी लॉक दिया गया है रियर के डोरों में, चाइल्ड सेफ्टी लॉक मिलेगा, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट दिया गया है इसमें, रिवर्स पार्किंग सेंसर के साथ रिवर्स पार्किंग कैमरा भी दिया गया है। यहाँ से आप फ्यूल भरवाएंगे, तो टॉप वेरिएंट में आपको यहाँ पे टच बटन दिया गया है, फ्रंट के दोनों डोरों पे टच बटन मिलेगा, और पार्किंग कैमरा भी दिया गया है। दो आपको रूफ रेल दी गई है, सिल्वर कलर की दो रूफ रेल मिलेगी, ये डुअल टोन कलर देख रहे हैं आप गाड़ी का, ब्लैक एंड रेड। और चलिए अब बैक डोर खोल लेते हैं, बूट स्पेस देख लेते हैं कैसा बूट स्पेस मिलता है आपको इसमें। तो इसमें आपको रियर पार्सल ट्रे देखिए दी गई है, काफ़ी चौड़ी है, डुअल पार्टीशन में दी गई है रियर पार्सल ट्रे इसमें। और यहाँ पे सामान कैरी करने के लिए हुक दिया गया है, यहाँ पे भी स्पेस दिया गया है साइडों में। और ये आपका लगेज रूम लाइट के साथ 12 वॉट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। ये आपका स्पेयर व्हील, जो कि आपको अपोलो के टायर के साथ 16 इंचज़ का ही दिया गया है, अलॉय व्हील नहीं मिलेगा ये 16 इंचज़ का ही। पाँचों टायर का जो साइज़ है सेम ही दिया गया है, और मेक भी इसका सेम ही है। और चलते हैं रियर डोर के इंटीरियर में, रियर डोर के इंटीरियर में आपको इनसाइड हैंडल क्रोम पे दिए गए हैं देखिए, और ये सिल्वर फिनिश
चेंज कर दी गई है, पहले वाली नहीं है। सिल्वर फिनिश, कॉटन फिनिश, पावर विंडो और बोतल रखने का स्पेस दिया गया है, साथ में स्पीकर। तो थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं इसमें, इंटीरियर में भी, और रियर सीटों के हेड आपको हेडरेस्ट के साथ दिए गए हैं। तो हेडरेस्ट मिलते हैं रियर सीटों के हेडों में आपको इसमें, अपहोल्स्ट्री लेकिन बीच कलर की ही दी गई है इसमें पूरी। अपहोल्स्ट्री की बात करें, कुशनिंग काफ़ी अच्छी है इनकी, और इनसाइड हैंडल क्रोम पे दिए गए हैं। और ये भी आपको देखिए सिल्वर फिनिश दी गई है, ये ग्रैब हैंडल, और बोतल रखने का स्पेस दिया गया है साथ में स्पीकर। तो बोतल रखने का स्पेस आपको चारों डोरों पे मिलेगा आपको इसमें, और ग्रिप असिस्टेंट दिए गए, कुछ स्पेस दिया गया सामान कैरी करने के लिए, यहाँ पे भी ग्रिप असिस्टेंट के साथ कुछ सामान कैरी करने के लिए हुक दिया गया है। रीडिंग लैंप, और रीडिंग लैंप दिया गया है, और साथ में ही आपको ये लेग रूम की बात करेंगे तो बहुत ही बढ़िया लेग रूम है, लेग रूम की प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। ये सीटें जो को ड्राइवर साइड वाली है पीछे करी हुई है, तभी आपको लेग रूम कम लग रहा है देखने में, लेकिन ओवरऑल लेग रूम बहुत बढ़िया है इसका। जो पहले वाला लेग रूम था वही मिलेगा आपको, तो लेग रूम में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, पहले वाला ही लेग रूम है इसमें। और फ्रंट पे आपको जो सीटें हैं इनके हेड आपको हेडरेस्ट के साथ ही दिए गए हैं, फ्रंट सीटों के हेड भी। और इसमें आपको यहाँ पे हुक दिया गया है, तो यहाँ पे आप सामान कैरी कर सकते हैं, मिनिमम 3 kg का सामान इसमें कैरी कर सकते हैं इसमें, देखिए। तो हुक दिया गया है ड्राइवर साइड के पीछे ही, और जैसे कि मैं रियर पैसेंजर सीट पे बैठा हूँ तो मैं फ्रंट डैशबोर्ड की एक लुक दे देता हूँ। कैसा लगता है आपको फ्रंट डैशबोर्ड देखने में? ऑल ब्लैक दिया गया है फ्रंट डैशबोर्ड का लुक, ये टॉप वेरियंट गाड़ी है। और चलेंगे अब फ्रंट डोर के इंटीरियर में, रियर डोर का इंटीरियर आपने देख ही लिया, ये वाला डोर टच बटन के साथ दिया गया है। और इसमें आपको इनसाइड हैंडल क्रोम पे दिए गए हैं, और साथ में ही दो टूटर दिए गए हैं इसमें, राइट लेफ्ट में डोरों पे दो टूटर मिलेंगे इनसाइड हैंडल क्रोम पे। और सिल्वर फिनिश दी गई है चारों डोर इसमें, पावर विंडो दिए गए हैं सिल्वर फिनिश देखिए, और कॉटन फिनिश, चारों डोर पावर विंडो दिए गए हैं ऑटो के साथ, जिसमें कि आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं, शीशों को भी लॉक कर सकते हैं। और ये ग्रैब हैंडल नीचे आते हैं तो आपको बोतल रखने का स्पेस दिया गया है, साथ में ही माइक पॉकेट का स्पेस, साथ में स्पीकर दिया गया है इसमें। तो चार स्पीकर, दो टूटर मिलते हैं आपको। ये ड्राइवर सीट देख रहे हैं आप, जो कि दोनों फीचर्स दिए गए हैं इसमें, हाइट एडजस्ट और बैक एडजस्ट दोनों फीचर्स इसमें दिए गए हैं ड्राइवर सीट में। और राइट साइड में आपको एसी वेंट्स दिए गए हैं ब्लैक पियानो फिनिश के साथ, साइडों में ब्लैक पियानो फिनिश मिलेगी। और ये आपको हेडलाइट लेवलिंग के स्विचेस, ये साइड मिरर फोल्डेबल है, जो उसके कंट्रोल्स दिए गए हैं, और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी है साइड मिरर, दोनों फीचर्स इसमें दिए गए हैं, फोल्डेबल और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है क्रोम फिनिश के साथ। और बात करेंगे स्टीयरिंग व्हील की, तो इसमें आपको SRS एयरबैग, इसका मोनोग्राम क्रोम फिनिश के साथ दिया गया है। ऑडियो कंट्रोल्स दिए गए हैं स्टीयरिंग व्हील पे, क्रूज कंट्रोल सिस्टम भी इसमें दिया गया है, टॉप वेरिएंट गाड़ी है। और ग्रिपिंग, लेदर की ग्रिपिंग मिलेगी स्टीयरिंग व्हील पे आपको इसमें, और फोनी कंट्रोल्स भी दिए गए हैं, वॉइस कमांड, फ़ोन उठा सकते हैं, डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें आपको टिल्ट स्टीयरिंग दिया गया है, और साथ में ही ऑटो हेडलैम्प दिए गए हैं इसमें, ऑटो हेडलैम्प मिलेंगे, और ऑटो वाइपर दिए गए हैं इसमें, ऑटो सेंसिंग वाइपर दिए गए हैं इसमें। तो हेडलैम्प और वाइपर दोनों आपको ऑटो दिए गए हैं। ये टिल्ट स्टीयरिंग दिया गया है इसमें, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग नहीं मिलेगा, देखिए टिल्ट स्टीयरिंग ही मिलेगा इसमें आपको। और बात करेंगे MID की, तो छोटी सी इसमें कुछ वार्निंग लाइटें दी गई हैं, छोटी सी डिजिटल डिस्प्ले दी गई है जो आपको किलोमीटर क्लॉक टेम्परेचर शो करेगी, और RPM मीटर दिया गया है, और दो AC वेंट्स दिए गए हैं सेंटर में हजार्ड गेज स्विचेस के साथ। ये इंफोटेनमेंट सिस्टम चेंज कर दिया गया है, जो इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको बलेनो में मिलता था वही इंफोटेनमेंट सिस्टम इसमें दिया गया है, हरमन का इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये। तो देखिए काफ़ी टच स्क्रीन, एंड्रॉयड एप्पल कार प्ले इसमें प्ले कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो प्ले करने के लिए आपको मारुति की एक ऐप आती है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। FM AM इसमें चला सकते हैं, CD प्ले नहीं कर सकते इसमें। तो ये इंफोटेनमेंट सिस्टम लगभग सभी गाड़ियों में आपको मिलेगा।
क्या मारुति की सभी गाड़ियों में लोअर वेरिएंट पे नहीं मिलेगा, टॉप वेरिएंट सभी में आपको इसमें मिलेगा। यही इंफोटेनमेंट सिस्टम, इसमें सेटिंग कर सकते हैं टाइम डेट वगैरह की। और नीचे आते हैं तो ऑटो एसी दिया गया है इसमें, और नीचे आएंगे तो आपको यूएसबी ऑक्स के ऑप्शन दिए गए हैं, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, और ये आपको 5 फॉरवर्ड 1 रिवर्स गियर लीवर हैंड ब्रेक लीवर कॉन्फिडेंस के साथ दिया गया है। और ये आपको स्मार्ट की दी गई है जो कि आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं सिल्वर फिनिश के साथ। एस का मोनोग्राम क्रोम फिनिश के साथ दिया गया है, तो स्मार्ट की दी गई है इसमें भी। और दो कप होल्ड रखने का स्पेस दिया गया है, आर्म रेस्ट दिया गया है इसमें, टॉप वेरियंट है कुछ स्पेस के साथ। और एक SRS एयरबैग और दिया गया है, को ड्राइवर साइड सिल्वर फिनिश दी गई है, और अपर में और लोअर में ग्लो बॉक्स भी दिया गया है इसमें। दो ग्लो बॉक्स मिलते हैं आपको अपर में और लोअर में, तो काफ़ी अच्छा स्पेस है इसमें। ग्रे फिनिश दी गई है, और साथ में ही ये वाला डोर भी आपको इनसाइड हैंडल क्रोम पे दिया गया है, सिल्वर फिनिश मिलेगी। पावर विंडो, कॉटन फिनिश, बोतल रखने का स्पेस, साथ में स्पीकर। फ्रंट में आपको सनवाइजर दिया गया है, रोल पार्टीशन में रीडिंग लैंप, ब्लूटूथ माइक, और ये गूगल बॉक्स दिया गया है। IRVM ऑटो दिया गया है इसमें, देखिए ऑटो IRVM मिलेगा। को ड्राइवर साइड सनवाइजर वैनिटी मिरर के साथ दिया गया है, साथ में ही लाइट भी दी गई है। और ग्रिप असिस्टेंट, चलते हैं इंजन रूम में। हुड खोलने का ऑप्शन राइट साइड, यहाँ पे लीवर दिया गया है। तो उससे पहले मैं आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा दिखा देता हूँ इसका। ये रिवर्स मोड पे ले जाएंगे तो ये पूछ रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको पूरा पीछे का व्यू दिखाएगा। देखिए इंफोटेनमेंट सिस्टम में ही देखिए पूरा व्यू दिख रहा है पीछे का। तो इसकी और आगे इंजन रूम में, तो इसमें आपको हुड के इनसाइड ये कवर दिया गया है जो कि इंजन की वाइब्रेशन को कंट्रोल करता है। ABS इसका यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें आपको पेट्रोल इंजन दिया गया है, 1500 CC का इंजन मिलेगा, और बैटरी फ्यूज बॉक्स तो आप देख रहे हैं, और इसमें 1500 CC का इंजन दिया गया है। BS6 इंजन है ये जो पहली बार आया है विटारा ब्रिजा में, 1462 CC का इंजन मिलेगा। और यही इंजन आपको सियाज में भी मिलता है देखने को। बात करेंगे पावर की, तो 103 BHP की पावर मिलेगी आपको 6000 RPM पे। अगर हम टॉर्क की बात करते हैं, 138 Nm की टॉर्क मिलेगी 4400 RPM पे। सो फ्रेंड्स, ये था रिव्यू मारुति सुजुकी विटारा ब्रिजा ZXi प्लस का, यानी टॉप वेरिएंट का रिव्यू आपने देखा। ये रिव्यू अगर आपको अच्छा लगा हो जरूर लाइक कीजिए इस वीडियो को। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। इस वीडियो को अगर फेसबुक पर देख रहे हैं जरूर फॉलो करें। तब तक के लिए सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।